पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान बुधवार को 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई। महिला रेसलिंग के फाइनल में एंट्री कर अपना सिल्वर मेडल पक्का कर चुकी विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया। इसके साथ ही उनका ओलंपिक मेडल का सपना भी टूट गया है। विनेश इस पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उतरी थी। भारत अब इसका विरोध जता रहा है। फोगाट की अयोग्यता पर सड़क से संसद तक बहस चल रहा है। उन्होंने मंगलवार को सेमीफाइनल जीता था, तब तक उनका वजन 50 किलोग्राम था। इसके बाद बुधवार को उन्हें फाइनल खेलना था। तब नियम के हिसाब से फाइनल से पहले विनेश का वजन किया गया तो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। यही कारण रहा कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके साथ ही उनका इस बार मेडल जीतने का सपना टूट गया। वहीं ये खबर सुनते ही फोगाट बेहोश हो गई और इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं भारत के विरोध पर अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से भी बयान सामने आया है और UWW ने दो टूट कहा है कि नियम सबको मानना ही पड़ेगा। अब फैंस के मन में सवाल है कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि विनेश बाहर हो गए। फैंस उस नियम के बारे में भी जानना चाह रहे हैं जिसके कारण विनेश बाहर हुई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com, मैं सचिन शर्मा। दरअसल रेसलिंग में वेट कैटेगरी होती है, यानी कि एक पहलवान को मैच में अपने बराबर वजन के ही रेसलर से भिड़ना होता है। जैसे विनेश 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उतरी थी, ऐसे में विनेश और सामने वाले रेसलर दोनों का वजन 50 किलोग्राम ही होना चाहिए था। इस खेल में नियम बनाने का अधिकार यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का आर्टिकल 11 कहता है कि मैच में एंट्री से पहले टीम के लीडर को फाइनल एथलीट्स का नाम देना होता है जो मुकाबले में लड़ेगा। इसकी जानकारी पहले से देनी होती है। हर मैच से पहले खिलाड़ी का वजन किया जाता है। वजन का ब्यौरा मैच के एक दिन पहले 12वें घंटे तक जमा करना होता है। अपनी वेट कैटेगरी के अलावा दूसरे वेट कैटेगरी के पहलवान से मैच नहीं होता। नियम के मुताबिक जो एथलीट वजन के अनुरूप नहीं होता उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई एथलीट पहले या दूसरे दोनों बार में भी वजन नहीं करवाता तो वो भी अयोग्य घोषित करार दिया जाता है। साथ ही उसे बिना कोई रैंक दिए आखिरी स्थान पर रखा जाता है। वजन करवाने के दौरान सिर्फ एक ही पोशाक जिसे सिंगलेट कहा जाता है सिर्फ वही पहनने की इजाजत होती है। वजन के दौरान प्रतियोगी के नाखून भी ठीक से कटे होने चाहिए। पूरे वजन प्रक्रिया के दौरान रेसलर जितनी बार चाहे वजन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर खेल मंत्री ने सदन में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि पूरा देश उनके साथ है और उनको हर संभव मदद मिलेगा। लेकिन एक बार जो भारत के 140 करोड़ जनता उम्मीद लगाए बैठे कि गोल्ड मेडल ओलंपिक में मिलेगा, क्योंकि लगभग विनेश फोगाट फाइनल में चली गई थी और लोगों की उम्मीद थी उनसे कि गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। लेकिन आज 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर अचानक एक बड़ा झटका लगा और विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करार दे दिया गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।